نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد एक साथी ने ख्वाब में देखा, हालांकि वो जवान है, वो कह रहे मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ जैसे बुज़ुर्ग बन गया हूँ, यानी बुढ़ापा आ गया है, बड़ी उम्र का देख रहा हूँ। इसकी अलामत क्या है या इसकी ताबीर क्या है? बुढ़ापे में देखना नौजवान का अपने आप को, इसका मतलब है कोई अल्लाह कोई मनसब अता फरमाएंगे, यानी अपने इलाके का या अपने मोहल्ले का या शहर का या ख़ानदान का सरदार बनेगा, बड़ा बनेगा, लोग इज़्ज़त करेंगे, बड़े लोगों में शामिल हो जाएगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमानबरदारी की तौफीक अता फरमाना फरमाने से महफूज रखे। इसी तरह एक भाई ने ख्वाब में देखा, कह रहे मेरे पास पत्थर है, अकीक जिसको कहते हैं, और वह महंगा है, वो मुझसे ख्वाब में वो हो गया, गिर गया, खो गया, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ। अकीक का गुम हो जाना या खो जाना या इधर उधर हो जाना इसका मतलब है जिस जगह पर कायम है उससे नीचे आ जाएगा, या जिस कामयाबी पर है उससे तनजली हो जाएगी, या कोई मुलाजमत कर रहे जॉब कर रहे तो हो सकता है जॉब छोड़नी पड़ जाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी की तौफीक अता फरमाना फरमानी से महफूज। इसी तरह एक बहन ने ख्वाब में देखा कि बिल्कुल सुर्ख लिबास पहना है, सुर्ख लिबास कोई भाई या बहन पहने ख्वाब में, इस बात की अलामत है कि किसी रंज गम में मुबतला हो सकता है, मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता है, एक बीमार में मुबतला हो सकता है। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को बीमारी में सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, परेशानी से बचाए, दुख दर्द से महफूज फरमाए। अल्लाह अपने करम के फैसले फरमाए, रहम के फैसले फरमाए, अल्लाह ताला हर परेशानी से बचाए, हर खुशी अता फरमाए। इसी तरह एक बहन ने ख्वाब में देखा कि वो तमाचा मारती, याद रखिए तमाचा मारना ऐसे ही है, जिसको तमाचा मारा उसको फ़ायदा पहुँचा दिया, यानी उसको खुशी मिल गई, उसका रंज गम दूर हो गया, उसकी बीमारी भी दूर हो गई, ये खुशबख्ती की अलामत है, सआदत की अलामत है। वो याद रखिएगा ख्वाब का सूद, बुरा ख्वाब है तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, सदका कर दें, अच्छा ख्वाब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इन ख्वाब में ये है कि किसी को बताया ना जाए, चाहे वो घर के बंदा क्यों ना हो, ख्वाब पूछा किससे जाए कि जो असल ताल्लुक़ रखता हो, मोहब्बत रखता हो और इस फ़न को जानता भी हो। हर आए वगैरह को ना बताएं, हर एक को ना बताएं, जिसको ताबीर नहीं पता उसको नहीं बताया जाए ख्वाब, बाद ख्वाब बताने से नुकसान हो सकता है। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को नुकसान से महफूज फरमाए, परेशानी से बचाए, दुख दर्द से दूर फरमाए, अल्लाह करम के फैसले फरमाए, रहम के फैसले फरमाए। अल्लाह हर मेरे भाई मेरे बहन को मुल्क वतन के लिए, मुआशरे के लिए बेहतरी का ज़रिया बनाए और भलाई का ज़रिया बनाए, अच्छाई ज़रिया बनाए। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी की तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए। मैं इल्तिजा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ अपने हर भाई और बहन से, आइए हम साहिब अमाल बन जाए, साहिब किरदार बन जाए, नफरत को छोड़ दें, गाली गीबत बहतान इल्ज़ाम तराशी को छोड़ दें, चाहे वो किसी पार्टी मसलक ग्रुप सिलसिले या कौमियत के खिलाफ हो, ये सब हराम काम है जो हम करते हैं। हम तौबा करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाए।